हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं रोमन काउंटिंग, हिंदी काउंटिंग एंड इंग्लिश काउंटिंग। तो इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको 1 से लेकर 20 तक की काउंटिंग सिखाई थी। आज हम 21 से काउंटिंग में आपको सिखाएंगे। 21 डिजिट में आपको 29 है, इसको हम क्या बोलते हैं 21। 22 को हम क्या बोलते हैं 22। 23 को हम क्या बोलते हैं 23। 24 को हम बोलते हैं 24। 25 को हम बोलते हैं 25। 26 को बोलते हैं 26। 27 27, 28 28 एंड 29 29, 30 एंड 30 30। इस टाइप से हम इसको हिंदी में काउंटिंग करते हैं। ये आपके डिजिट हो गए। देन अगर हम इंग्लिश में बोलना है तो मैंने अभी आपको इंग्लिश में बोलना सिखाया था कि ये इसकी स्पेलिंग दे रहे थे 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। 30 को स्पेलिंग क्या होगी? TH IR TY। आपने 1 से लेकर 10 तक की स्पेलिंग सीखी है तो आपको सिर्फ 20 की स्पेलिंग क्या करना है? TWNTY ON1 TWNTY TWO TWNTY THREE। इस टाइप से आप इंग्लिश की काउंटिंग कर सकते हैं। अब हम आते हैं रोमन काउंटिंग पे। रोमन काउंटिंग में 21 को कैसे राइट करेंगे? आपको 20 तो पता है कि ये क्या होता है। अगर हमें 10 होते 20 10 होते 20 मैंने आपको बताया था कि आपको 1 से लेकर 10 तक की रोमन काउंटिंग आना चाहिए तो ही हम आगे की रोमन काउंटिंग कर सकते हैं। तो कितने स्टूडेंट्स ने 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग सीख ली? ओके, सभी स्टूडेंट्स ने। तो आपको जब मैं अगर मैं बोलूँ तो आपको मेरे साथ में बताना है कि क्या है। ओके, तो आप 10 और 10 तो कितने हो गए? 20 हो गए। अब 20 में कितना प्लस करने पे 21 आता है बताइए आप? 1। तो 1 कैसे राइट करते हैं? हमने एक बार आई लिख दिया तो ये क्या हो गया 1। तो ये आपका हो जाएगा 21। हम मुझे 22 करना है तो हमें कितने बार आई राइट करेंगे? 2 times। तो ये हो जाएगा 2 times। तो ये हो जाएगा आपका 22। देन 3 times राइट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 23। अब 4 लाने के लिए 10 तो ऑलरेडी आपका आई नहीं सही। 4 आपको पता है कि 4 हम कैसे राइट करते हैं? सभी स्टूडेंट्स को पता है कि 4 कैसे राइट किया जाता है। अगर आपने मेरे पहले के वीडियो में मैंने आपको सिखाया भी है 1 से लेकर 20 तक की काउंटिंग। तो आपने पहले 10 लिखा, उसके बाद मैंने यहाँ पर ये 4 राइट कर दी। इस टाइप से ये 4 आ जाएगा। अब मैं 14, तो ये हो जाएगा आपका 24। क्या हो जाएगा? 24। अब 5 राइट करने के लिए आप क्या करेंगे? ये 20। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 20 आपको बताएं कि 2 times हमने 20 20 के लिए 2 times x लिखा, 20 हो गया। यहाँ पे क्या आ गया? 5। तो ये आपका हो जाएगा 25। 6 लिखने के लिए क्या करेंगे? वही की वही लिखना है, बस इसके प्लेस पे आपको क्या लिख देना है 6। 7 लिखने के लिए 9 और लिख देना, 8 लिखने के लिए 8। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 25 26 27 28। अब आते हैं 29 पर। 29 के लिए आप क्या करेंगे? पहले 20 लिखा हमने, ये 20 हो गया। अब 9 आपको लिखना आता है। 9 कैसे लिखते हैं? ये जो सिंबल से 9 का, तो ये आपका हो जाएगा 29। उसके बाद आता है आपका 30। 30 के लिए क्या करेंगे आप? 30 लिखने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे ये 10 एक प्लस करा 20 और एक और प्लस करा 30। तो आपको 3 times अगर हम एक साइड करते हैं तो वो आपका क्या आ जाता है? 30। 10 20 30। इस टाइप से ये हो गया आपका 30। तो आपने लिख दिया 3 बार एक्स लिखते हैं तो आपका उसको क्या बोलते हैं? 30। तो ये आपके 21 से लेकर 30 तक की मैंने क्या बता दी आपको? काउंटिंग बता दी। आई होप कि सभी स्टूडेंट्स को ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके।